सरकार के सांविधिक निकायों की समय समय पर बैठकें होती हैं। इसी कड़ी में एक बैठक फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से ऊना में आयोजित की गई। ये बैठक अतिरिक्त उपायुक्त के कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में जहां सुरक्षित एवं स्वच्छ खाद्य पदार्थों की आपूर्ति को लेकर बल दिया गया, तो वहीं सैंपलिंग और नए लाइसेंस को लेकर भी चर्चा की गई। आज जो है फोर्थ डिस्ट्रिक्ट लेवल एडवाइजरी कमेटी ऑन फूड सेफ्टी जो है उसकी FSSS एक्ट 2006 के अंतर्गत मीटिंग रखी गई। इसमें विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि मंडल और व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसमें हमने जो FSSI के जो विभिन्न अधिनियम है, सैम्पलिंग है और उनके जो प्रावधान है और न्यू लाइसेंस और एप्लीकेशन है उनके ऊपर चर्चा की गई। साथ ही जो पुराने केसेस हैं उनके ऊपर भी विवेचना की गई। साथ ही जो सर्वे और सैम्पलिंग को बढ़ाने का निर्देश दिया गया और इसके अंतर्गत ईट राइट मूवमेंट जो है उसके लिए जिला स्तर पर एक कार्यविधि बनाकर स्कूलों, कॉलेजेस में और अन्य जगहों पर इस मूवमेंट को जो है IC एक्टिविटीज बढ़ाने, वॉलंटियर्स तैयार करने और टीचर्स को ट्रेन करने पर फोकस किया गया। इस बैठक में एक अन्य फैसला भी लिया गया जिसके अंतर्गत स्कूलों और अन्य शिक्षण संस्थाओं में इट राइट मूवमेंट की शुरुआत की जाएगी, जिसके तहत विद्यार्थियों को खाद्य सामग्री संबंधी जागरूकता से अवगत करवाया जाएगा, जिससे सही खानपान की आदतों को बढ़ावा मिलेगा। सूर्य समाचार के लिए अमित शर्मा की रिपोर्ट।